बिना किसी, पूरा देश आज आजादी का पर्व मना रहा है। 76वां स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। कहीं बच्चों की प्रस्तुति से आंखें नम नजर आ रही हैं, तो वहीं कभी कोई क्षण गौरवान्वित महसूस करवाता है कि हम उस देश में रहते हैं जहां देश की सीमा पर वो जवान हैं जो पूरे देश को अपना परिवार समझते हैं। इस वक्त मैं वन बी ब्लॉक सनातन धर्म मंदिर स्कूल में यहां पर मौजूद हूं और बच्चों ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से ये दर्शाया है कि एक सैनिक जो है वो किस तरह से अपने प्राणों को न्योछावर कर देता है, अपने परिवार की परवाह नहीं करता है, सिर्फ इसलिए कि हम आजाद देश में रह सके, हम स्वच्छ हवा में सांस ले सके। सबसे पहले अशोक अरोड़ा जी प्रधान है यहाँ के, सर जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया है, पूरा देश आज एक तिरंगे के रंग में नजर आ रहा है, क्या कहेंगे अपने अनुभव से? आपने वो पल भी देखा जब आजादी के लिए जद्दोजहद कर रहा था देश। पहले तो आपका स्वागत है यहाँ पर। आप ये कह रहे हैं कि आज जो पर्व मनाया जा रहा है, नहीं, ये 75 साल से मनाया जा रहा है, 47 से मनाया जा रहा है, 15 अगस्त 1947 से। और मेरे इस देश के सपूतों ने, माओं ने अपने लालों की कुर्बानी दी, बहनों ने अपने भाइयों की दी, पत्नियों ने अपने सुहाग की दी। 1857 में ये आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, मंगल पांडे के माध्यम से, झांसी की रानी के माध्यम से। 90 साल इस देश के सपूतों ने इस लड़ाई को लड़कर 15 अगस्त 1947 को इस देश को आज़ाद कराया। उसके बाद से लेकर आज तक हमारे बच्चे खुली सांसों की वो ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उन लोगों को कभी नहीं बुलाया जा सकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जंग अंग्रेजों के खिलाफ चारों कौमों ने लड़ कर ली, किसी एक कौम ने इस लड़ाई को नहीं लड़ा, चाहे वो हिंदू था, चाहे मुसलमान था, चाहे सिख था, उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा। भगत सिंह जी आपके सामने हैं, सुभाष चंद्र बोस जी आपके सामने हैं, कोई उत्तर पूर्व दक्षिण चारों दिशाओं के लोग इकट्ठे हुए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के जी। तब जाकर इस जंग को हमने जीता, हमारे बुजुर्गों ने जीता। आज हम उन पुराने पद चिन्हों को मिटाते जा रहे हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। उन लोगों को, राम जी लाखों साल पहले आए, उन्होंने अच्छा अपना आगे, आज की युवा पीढ़ी को सर एक लाइन में क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस अखंड भारत के नागरिक हैं, उनके ऊपर कोई भी ऐसी गाज न गिरे जो देश में शिष्टाचार से भ्रष्टाचार की तरफ ले जाए। बिल्कुल, और देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने उस संघर्ष को, उस आज़ादी के संघर्ष को देखा है, शायद इसीलिए ये आंखें नम नजर आती है जब अखंड भारत को लेकर कहीं कोई बात सुनाई देती है या कहीं कोई बिखराव नजर आता है। राकेश दीवान जी बतौर मुख्य अतिथि बच्चों का हौसला बढ़ाने आए हैं, उद्योगपति हैं और उद्योगपति नहीं, समाज सेवी के तौर पर अपनी ज़्यादा पहचान बनाए हुए हैं। राकेश जी, बड़ा भाव विभोर करने वाला दृश्य था जब बच्चे प्रस्तुति दे रहे थे कि कैसे अपनी खुशियों को ताक पर रखकर देश की रक्षा के लिए जवानों को अपनी इच्छाओं को त्याग कर जाना पड़ता है। क्या समझते हैं हर घर तिरंगा अभियान, 75वां अमृत महोत्सव, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से ताकि उनकी शहादत जो है वो व्यर्थ ना जाए? मैं सभी से यही गुजारिश करूँगा, सबसे पहले आपका शुक्रिया, और सभी बच्चों आने वाली पीढ़ी से भी यही गुजारिश करूँगा कि उनको आगे भगवान खुश रखे। और देश के प्रति जिस तरीके से मोदी जी ने ये झंडा अभियान चलाया अमृत महोत्सव का 75वें वर्षगांठ पे, मैं सभी बच्चों से देश के प्रति अपनी भावना को सही तरीके से उजागर करें और निष्ठा बनाए रखें, अपने देश के प्रति भी और अपने राष्ट्र के प्रति भी और अपनी जनता के प्रति भी, हमेशा देश को तरक्की के मार्ग पर आगे ले जाने की कोशिश करें। इन्हीं बच्चों से, इन्हीं स्कूल से मैं यही गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा। जी, क्या नाम है मैम आपका? मैम, जिस तरह से हम बच्चों को संस्कार देते हैं कि बड़ों का आदर करो और
एडिकेट्स सिखाते हैं, लेकिन आज ज़रूरत है बच्चों को ये भी सिखाने की कि देश कितना महत्वपूर्ण है। बच्चे बड़े होते हैं और उनको लगता है कि विदेशों में जाके शिक्षा प्राप्त करें, अपनी काबिलियत जो है वो वहाँ उन लोगों के काम आए। तो क्या लगता है एक पेरेंट के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं कि एक जिम्मेदारी जो एक सैनिक निभा रहे हैं और आप अपने स्तर पर उसको निभा सकते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे आज मैंने ये प्रोग्राम देखा है, मतलब कितने सैनिकों ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करी है, लेकिन वो जो उनकी भावना है वो मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन ये है कि अब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है उनके लिए। जी, अभी हाल ही में फरीदाबाद का एक जवान जब तिरंगे में लिपट कर आया शहीद होने के बाद, और वो बच्चों ने दर्शाया कि किस तरह से वो यहाँ पर आया, हम यहाँ बैठे हैं, हमारा मन भावुक था, उस माँ पे, उस बहन पे, उस पिता पे क्या बीत रही होगी? वो तो देखो अभी क्या कह सकते हैं, जिन्होंने अपना बेटा खो दिया, भाइयों ने अपना भाई, बहनों ने अपना भाई खो दिया, माँ सब, पति ने अपना पति छोड़ दिया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ये है जो ये देश है, हम लोग यही चाहते हैं कि जो जितने भी सैनिकों की वजह से आज हम ये देश, इस देश में हम सुरक्षित कर रहे हैं। 75 साल से इन्होंने हमारी रक्षा करी है, इन्होंने ही, हम योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया है, आज उसी की वजह से हम सुरक्षित हैं देश। राकेश जी, आपको नहीं लगता एक ज़रूरत अब इस वक्त की ये भी है कि उन परिवारों को ये महसूस ना हो कि उनके परिवार का मुखिया उनके परिवार को चलाने वाला अब नहीं है, तो शायद वो असहाय हो गए हैं। सरकारें मदद करती है, लेकिन हर व्यक्ति का जिम्मेदारी है कि उसको अपने परिवार के व्यक्ति की तरह उनका ध्यान रखें, उनका उनकी जिम्मेवारी संभालें। यही होना चाहिए, हर एक राष्ट्र के हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को, हर एक नागरिक को ये समझना चाहिए कि एक सैनिक सभी के लिए समान है। सरकार को भी पूरी उनकी मदद और सहायता करनी चाहिए, और आम नागरिक को भी बढ़ चढ़ के उनकी सहायता करनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आगे उनका, बच्चों का भविष्य, छोटे छोटे बच्चे उनके रह जाते हैं, उनका भविष्य बना रहे। मैम, एक मदर के तौर पर जानना चाहूँगी, कितना मुश्किल होता है जब पता है कि बच्चा वहाँ भेज रहे हैं सेना में, वापस आएगा या नहीं, उसके बावजूद एक माँ का कलेजा कितना पक्का होता है जो वो ये सोचती है कि नहीं, मेरा बेटा, मेरा भाई वो जंग लड़े और अपने देश का नाम रोशन करे। गर्व होता है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ ऐसी माताएं और बहनें हैं। बिल्कुल बिल्कुल गर्व होता है, हम अपना सीना तान के कह सकते हैं कि हमारा बच्चा उस देश में गया है जो सबकी रक्षा करे। जी, तो देखिए बिल्कुल, इस बार जो 75वां अमृत महोत्सव, ये केवल नाम का या ये केवल एक सरकारी आयोजन बनकर नहीं रह गया, हर किसी ने अपने घर और संस्थान में तिरंगा फहराया, लेकिन लोगों के मन में भी तिरंगे की अलग जो है वो जग चुकी है। और जवान जो है वो सेना पर रक्षा करता है, और कहते हैं मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन वो जवान एक ऐसी शख्सियत है जो शहादत के बाद भी अजर रहते हैं, अमर रहते हैं। तो पंजाब केसरी की टीवी की टीम भी यही लोगों से अपील करती है कि किसी पक्षपात के बिना भाईचारे को कायम रखते हुए अपने देश की अखंडता को बनाए रखें, और यही याद रखें कि न हम हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, ईसाई हैं, और इस देश में जिन लोगों ने शहादत दी है उनकी शहादत व्यर्थ ना जाए। तो बस मन में यही प्रण धारण करें कि हम सब एक परिवार है और हम सब एक भाई भाई हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।